गद्दारी का इल्ज़ाम दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहीद खाकान अब्बासी लाहौर हाई कोर्ट पेश। आपने वादा किया था, कौन कौन आया है? अदालत, माय लॉर्ड नवाज शरीफ समेत जिस जिसको आपने बुलाया सभी आए हैं। नवाज शरीफ के वकील नसीर भुट्टा का जवाब अदालत में कह कहे। वफाकी काबीना ने मुतनाज़े इंटरव्यू जिसे हसास मामले पर किया कार्रवाई की। जस्टिस मसूद जहांगीर का सरकारी वकील से इस्तफसार। फुल बेंच ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। सिरल अल्मेडा के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस। नामी सीएल से निकालने का हुक्म। केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। कमरा अदालत में रश की वजह से बदनज़मी। नवाज शरीफ रोस्ट्रम तक ना पहुंच सके और दूर बैठकर नवाज शरीफ रोस्ट्रम पर आने की जहमत ना करें, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। नवाज शरीफ ने हुकुम पर अमल किया, खड़े हुए और हाथ हिलाकर हाजिरी लगवा दी। कमरा अदालत में वकला और कारकुनों का रश। नवाज शरीफ अंदर दाखिल होते ही रश में फंस गए। धक्कों पेल में कमरा अदालत में अलमारियों के शीशे और गमले टूट गए। वकला नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनाते रहे। सेल्फियां छोड़े, मुझे बैठने की जगह दे। नवाज शरीफ बरहम हो गए। नैब वाले लुटेरे हैं, इनसे जानिबदार इदारा कोई नहीं। एहतसाब नहीं, इंतकाम हो रहा है। करप्ट लोग इमरान खान के इर्द गिर्द हैं। गिरफ्तारियां करके ये जमहूरियत का रास्ता नहीं रोक सकते। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। अदालत के दरवाजे पर रोकने पर जावेद हाशमी की सिक्योरिटी अहलकारों से तकरार। मानी परवेज मलिक, शायस्ता परवेज और दीगर रहनुमाओं की भी हाईकोर्ट आमद। कारकुनों की बड़ी तादाद भी पहुंची। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। मुल्क में तहरीक इंसाफ में जीरा ब्लेड की हुकूमत है। इमरान खान और नैब में कोई फर्क नहीं। लीगी सेनेटर आसिफ परमानी, रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां काबिले मुजम्मत है। परवेज मलिक की अदालत के बाहर गुफ्तगू। नवाज शरीफ हाईकोर्ट से सीधा मॉडल टाउन पहुंच गए। सियासत का दोबारा बाकायदा आगाज। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास की सदारत की। ओपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी समेत अहम अमूर पर हिकमत अमली पर गौर। ओपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। एक भी करप्ट शख्स को नहीं छोड़ना, कोई एनआरओ नहीं होगा। करप्ट लोगों को पकड़ने का कौम से 22 साल पुराना वादा है। करप्शन पर काबू पाए बगैर मुल्क कर्ज की दलदल से नहीं निकल सकता। आवाम को सहूलत देने के लिए लुटेरों से दौलत वापस लेंगे। शहबाज शरीफ को पुकारने वालों को अपनी बारी का डर है। महंगाई करना मजबूरी है, फौरी कोई इलाज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में खिताब। बोले, हजारों एकड़ जमीन कब्जा माफिया से वागजार करा चुके हैं। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के दिफा के लिए बल्दियाती नुमाइंदे इकट्ठे हो गए। लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशिर जावेद की ज़ेर सदारत बल्दियाती कन्वेंशन आज होगा। मौजूदा निज़ाम को बचाने के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे मुबशिर जावेद। सानहा मॉडल टाउन इस्तेगासा के साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश। मुश्ताक सुखेरा की हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त। अदालत ने साबिक आईजी के वकला ने 5 लाख का जमानती मुचलका दाखिल करा दिया। वकला पर मुकदमा दर्ज करने का मामला। सेशन कोर्ट में वकला ने एहतजाजन तमाम दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस को अंदर जाने से रोक दिया, सिर्फ साइलिन को इजाजत। वकला ने गुज़िश्ता रोज भी ताले लगा रखे थे। और पेट मोटा होने के बिना पर रेस्क्यू एहलकार की बरतरफी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्क्यू एहलकार को दिया गया शोकास नोटिस मुअत्तल कर दिया। अदालत का डीजी रेस्क्यू को 10 अक्टूबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। डीजी रेस्क्यू ने पेट मोटा होने की बुनियाद पर एहलकार मोहम्मद फजल करीम को बरतरफी का शोकास नोटिस जारी किया था।